हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ट्यूटोरियल में प्राइस डिफरेंस सेल के बारे में जानते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप यहां पर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और आप यहां से सेलेक्ट करेंगे प्राइस डिफरेंस सेल। आप देखेंगे यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रेडिट नोट। इसका मतलब यहां पर यह है कि सपोज अगर हमने किसी पार्टी को सेल की है और बाय मिस्टेक हमने जो है उसे वो आइटम ज्यादा अमाउंट में सेल कर दिया, और अगर हम उस अमाउंट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम यहाँ पर क्रेडिट नोट पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे सेल्स डिफरेंस क्रेडिट नोट एंट्री की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर, देन एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं आप देखेंगे बिल डिटेल्स की विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस आइटम का आप क्रेडिट नोट काट रहे हैं अगर आपको उस आइटम का बिल नंबर याद है तो वो बिल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पर जो है मैनुअली एंटर करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ME240, देन एंटर। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करके जाएंगे और जिस बैच के आइटम को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस बैच के आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है क्वांटिटी एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 10, अगेन हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर एक विंडो मिलती है जहाँ पर आपको दिया है ओल्ड रेट और न्यू रेट। ओल्ड रेट में आप वो अमाउंट एंटर करेंगे जिस रेट में आपने उस आइटम को सेल किया है। सपोज हमने यहाँ पर जो है उस आइटम को 100 रुपीज में सेल किया है तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 100, देन एंटर की प्रेस करते हैं। और न्यू रेट में आप वो अमाउंट एंटर करेंगे जो उस आइटम का एक्चुअल रेट है, तो उस आइटम का जो एक्चुअल रेट है वो है 80। हम यहाँ पर एंटर करते हैं 80। तो अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने आपको 20 रुपीज का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपने किसी पार्टी को कम अमाउंट की आइटम ज्यादा अमाउंट में सेल कर दिया है तो आप उसके लिए इस तरह से क्रेडिट नोट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब इसे सेव कर लेते हैं, इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं मेन मेन्यू में आने के लिए। अगेन हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाते हैं और फिर से हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्राइस डिफरेंस सेल। अब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने कोई आइटम जिसका अमाउंट ज्यादा है लेकिन आपने जो उसे कम अमाउंट में सेल कर दिया है तो उस केस में हम यहाँ पर जो है डेबिट नोट को क्रिएट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर डेबिट नोट पर क्लिक करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर जो उस पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जिस पार्टी के लिए हम यहाँ पर डेबिट नोट काट रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर को, एंटर की प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ पर जो है आइटम सेलेक्ट करते हैं, और अब हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं। हम यहाँ पर दे रहे हैं 10। तो अब हम यहाँ पर जो है ओल्ड रेट एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ पर दे रहे हैं 5, मीन्स कि हमने जो है ये आइटम उसे 5 रुपए में सेल कर दिया जबकि हमें उसे सेल करना था 10 रुपए में। देन अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर 5 रुपए का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है डेबिट नोट को क्रिएट कर सकते हैं। डेबिट नोट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं मेन मेन्यू में आने के लिए। तो अब हम यहाँ पर फिर से ट्रांजैक्शंस में जाते हैं और अब हम यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करते हैं प्राइस डिफरेंस सेल। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है कमीशन डेबिट नोट। कमीशन डेबिट नोट बेसिकली हम उस केस में क्रिएट करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज रेट पर ही सेल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम कमीशन डेबिट नोट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पर आप कमीशन डेबिट नोट की एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। देन अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पंकज फार्मा, देन अब आप यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो आपके सामने बिल डिटेल्स की विंडो अपीयर होती है। अगर आपको यहाँ पर डेबिट नोट का बिल नंबर याद है तो वो बिल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर की प्रेस करेंगे।
अगेन एंटर की प्रेस करते हैं और अब आप यहाँ पर वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जिस आइटम पर आपको कमीशन देना है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ME240, देन एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जितनी क्वांटिटी पर आपको कमीशन देना है। सपोज हम यहाँ पर देते हैं 10, देन एंटर की प्रेस करते हैं। और अब आप यहाँ पर जो है आइटम का अमाउंट एंटर करेंगे और जो आइटम का अमाउंट है वो है 11.66, तो ये अमाउंट जो है आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आप यहाँ पर कमीशन एंटर करेंगे कि आप इस आइटम पर कितनी कमीशन दे रहे हैं। सपोज हम यहाँ पर इस आइटम पर 2% की कमीशन दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एंटर किया है 2, देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने आपको ऑटोमेटिक इस आइटम का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है 0.23। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर जो है किसी दूसरी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एमलोगार 10 mg, देन एंटर की प्रेस करते हैं। फिर आप यहाँ पर जो है क्वांटिटी एंटर करेंगे। सपोज हम यहाँ पर दे रहे हैं 70, देन एंटर की प्रेस करते हैं। और अब आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे। इस आइटम का जो अमाउंट है वो है 105, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 105, देन एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर इस आइटम पर कितना परसेंट का कमीशन देना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर इस आइटम पर कमीशन देना चाहते हैं 7.5 का, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 7.5 एंड देन एंटर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने इस आइटम का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, दैट इज 7.88। और इसके बाद अब आप यहाँ पर जो है सेव कर लेंगे। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो जस्ट आप कीबोर्ड से F की को प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आपको यहाँ पर सेल्स प्राइस डिफरेंट डेबिट नोट का प्रीव्यू डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से आप प्राइस डिफरेंस सेल में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और कमीशन डेबिट नोट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।